राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिरडी नगर सुधार समिति इनके संयुक्त तत्वावधान में अगस्त क्रांति दिवस पर आरोग्य सेवा क्रांति मुहिम निशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन श्री हनुमान मंदिर शिरडी नगर प्रांगण में किया गया था। इस मौके पर दर्जनों नागरिकों ने इस शिविर का लाभ उठाया। पूरे भारत वर्ष में अगस्त क्रांति दिन मनाया जा रहा है। इस क्रांति दिन के तहत शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिरडी नगर सुधार समिति द्वारा भव्य शिविर का आयोजन अयोध्या नगर के श्री हनुमान मंदिर शिरडी नगर प्रांगण में क्रांति दिन ध्यान में रखते हुए आरोग्य सेवा क्रांति मुहिम निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ लेने के लिए परिसर के दर्जनों नागरिकों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों को गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। शिविर में नेत्र जांच, हार्ट एक्सरे, बीपी, शुगर आदि की जांच नागरिकों ने की। शहर के नागरिक चुस्त और तंदुरुस्त रहे, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया था। परिसर के नागरिकों के साथ साथ राष्ट्रवादी की युद्ध ब्रिगेड खासकर मौजूद थी। इस कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। हा कार्यक्रम ऑगस्ट क्रांति महिन्याचा एक मागच्या 9 तारखेपासून आम्ही नागपूर शहरामध्ये सुरू केलेला आहे। त्याचं कारण कोविडमध्ये जे वर्ष 1.5 वर्षापासून नागपूर शहराची जनता, देशाची जनता, पूर्ण जगाची जनता जी भरडल्या गेलेली आहे, त्यांना एक मनोबल त्यांचं वाढावं हा एक उद्देश घेऊन आम्ही आयोजन हेल्थ कॅम्पचे आयोजन केलेले आहेत। त्याच्यात एक सगळ्याच प्रकारच्या त्यांच्या टेस्ट करून आम्ही योग्य नागरिकांना एक चांगला हेल्थ मिळावं हा एक आमचा उद्देश आहे। ऑगस्ट क्रांती दिन को देखते हुए आयोजित किए गए इस शिविर की नागरिकों ने काफी सराहना की तो शहर के बुजुर्ग नागरिकों ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सार्थक बहुउद्देशीय संस्था की टीम और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय के तमाम डॉक्टरों की टीम अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई दिए। अयोध्या नगर से संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।